बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज़ बशीर जरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का मॉड्यूल पर जो कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि 2024 का SLO बेस्ड पेपर किस तरह का आएगा, ठीक है। तो उसका हमने सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल में कवर किया था। तो जब हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लिया था तो हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन को स्किप कर लिया था। तो बहुत ज्यादा बच्चों का जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन को भी डील करें। तो आज की वीडियो के दिन हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रिलेटेड डिफरेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक हैं, वो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो जैसे ही हम अपलोड करेंगे वो आप लोगों तक पहुंच सकेगा अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस किया होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिसके अंदर क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सेपरेट ग्रुप है, जिसके अंदर हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट नोट सेंड करते हैं। तो वहां से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और नीचे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। और तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है फर्स्ट ईयर की बुक में से, सेकंड ईयर की बुक में से, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उससे बना दी जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली ये फेडरल बोर्ड की तरफ से एक मॉडल पेपर अपलोड किया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1-2i इन अ फॉर्म ऑफ a+i b। मीन मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने जो है वो कम्प्लेक्स नंबर मीन रियल पार्ट को लाता लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को लाता लिखना है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर से पहले आपको बताऊं कि कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम स्टेप लगाते हैं रैशनलाइजेशन। अब आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म रैशनलाइजेशन, कि हम रैशनलाइजेशन कब लगाएंगे। तो जब भी डिनोमिनेटर के अंदर अगर कम्प्लेक्स नंबर हुआ या इमेजिनरी पार्ट हुआ, ठीक है, मीन डिनोमिनेटर के अंदर अगर कम्प्लेक्स नंबर हुआ या इमेजिनरी पार्ट हुआ, तो फिर हम उसके अंदर रैशनलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की फोकस करें तो लिखा हुआ कि 1/2 i² ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है कि हम होल पे स्क्वायर लगा के रैशनलाइजेशन अप्लाई कर दें, और दूसरा तरीका हम इसको स्क्वायर को ओपन कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके स्क्वायर को ओपन करके कर लेते हैं, और जब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a-b² तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a b, ठीक है। जिसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर एंड माइनस 4i, जिसको अगर फर्दर सॉल्व करूं तो मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट से मेरे पास बनेगा 1/3 माइनस 4i, ठीक है। अब ये आ गया, अगर देखा जाए तो हमें लिखा था कि अगर डिवाइड के अंदर कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी पार्ट आ गया तो हम इस पर रैशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे। तो इसके डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो इस डिवाइड में से कम्प्लेक्स नंबर एंड डिनोमिनेटर में से कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करने के लिए हम इस पर अप्लाई कर देंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब जब रैशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि जो भी डिवाइड में वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जब करेंगे तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 3+4i, नीचे देखा जाए तो a-b a+b विच इज इक्वल टू a² - b², ठीक है। अब डिवाइड करने से मैंने कम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना था, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9-16 i², फिर 3+4i। अब हमें आयोटा स्केयर की वैल्यू पता होती है जो कि -1 होती है, जिसको अगर फर्दर सॉल्व करूंगा तो 3+4i / 9+16, जिसको अगर मैं फर्दर लिखूंगा 3+4i / 25। अब इसमें लिखा होता कि हमने रियल पार्ट को अदा करना है और इमेजिनरी पार्ट को अदा करना है, तो आ जाएगा 3/25 + 4i / 25, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है ये, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि मैंने डिटेल में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके निकाल के दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें तो उसके अंदर मेरे पास कॉन्जुगेट फाइंड करना है मेरे पास इस वैल्यू का, तो मेरे पास आ जाएगा 1+i³ का कॉन्जुगेट। तो
बेसिकली बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लग रहा है, इस पे होल पे कॉन्जुगेट था, ठीक है, ये आ गया। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन का क्यूब एज इट इज वन आ जाएगा, फिर आयोटा क्यूब, फिर थ्री आयोटा एंड थ्री आयोटा का स्क्वेयर, ये आ जाएगा। जिसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आयोटा क्यूब का मैं आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा प्लस थ्री आयोटा और थ्री माइनस वन लिख लूंगा। फिर ऊपर मेरे पास बार भी आ रहा था, ठीक है, ये आ गया। फिर अगर फर्दर करूं, वन आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू एंड प्लस टू आयोटा, जिसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस टू माइनस आयोटा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो भी आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना, तो जिसका राइट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो बड़ा आसान था, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसको मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको मैंने कंप्लीट सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने लिखा कि फॉर व्हाट की वैल्यू ऑफ के, हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहां पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, के टू माइनस वन, के थ्री माइनस वन, वन एंड थ्री, टू एंड माइनस टू, ठीक है। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट लेना है, तो बेसिकली डिटर्मिनेंट टू में से है, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट लूंगा टू के रिस्पेक्ट से, तो पहली रो पहली कॉलम की मीन ये और ये चली गई, तो मेरे पास आ जाएगा वन टू थ्री माइनस टू। फिर मैं जब दूसरे के लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास सेकेंड कॉलम गया एंड फर्स्ट रो गई, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, फॉर्मूले का माइनस एंड माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे थ्री टू माइनस वन एंड माइनस टू। उसके अंदर मूव करते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जिसके अंदर मेरे पास आ रहा है कि जिसके साइड सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा थ्री वन माइनस वन एंड थ्री, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वो आ जाएगा माइनस टू, इसको इसे कर लेंगे और इसको इसे कर लेंगे और माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस वन, माइनस सिक्स प्लस टू एंड के की रिस्पेक्ट से नाइन प्लस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एट, यहां पे आ जाएगा माइनस फोर और यहां पे आ जाएगा टेन इक्वल टू जीरो। फिर अगर हम फर्दर करें तो ए टू सिक्सटीन माइनस फोर प्लस टेन के इक्वल टू जीरो, ये कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी प्लस टेन के इक्वल टू जीरो। तो अगर जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ रहा है कि टेन के इज इक्वल टू ट्वेंटी, तो के इज इक्वल टू टू, तो जिसको हमने सॉल्व किया तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो इसको आप लोग बेशक राइट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें तो उसने लिखा कि व्हाट इज द रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, हमने इसका रो रैंक यानी रो को सॉल्व करते हुए इस मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं कि मेरे पास मैट्रिक्स क्या आ रही है। तो मेरे पास मैट्रिक्स आ रही है वन फोर एंड वन, थ्री फाइव एंड टू एंड लास्ट में फाइव फाइव एंड टू, ये मेरा मैट्रिक्स आ रही है, इसका मैंने रो रैंक निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने रो रैंक में क्या कर देंगे, हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसके नीचे इस एंट्री के नीचे और इस एंट्री के नीचे जीरो लाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने फोर के नीचे जीरो लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जीरो लाना है तो मुझे अब जब मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए और यहाँ पे जीरो चाहिए, तो इसके ऊपर जो भी रिस्पेक्टिव डायगोनल होगा जिसके नीचे जीरो लाना है उसके रिस्पेक्ट से हम सॉल्व करेंगे। मीन अब देखा जाए तो रो वन के डायगोनल है उसके इधर जीरो लाना है और इधर जीरो लाना है। तो जब मैंने फोर की जगह जीरो लाना होगा तो इसके रिस्पेक्टिव जो डायगोनल है, डायगोनल क्या है रो वन का, उसके रिस्पेक्ट सॉल्व करेंगे और रो थ्री को भी रो वन के रिस्पेक्ट सॉल्व करेंगे।
और इसी तरह जब मुझे यहाँ पे जीरो चाहिए तो इसके रिस्पेक्टिव डायगनल 5 है, यहाँ पे जीरो लाइक जाएंगे, ठीक है। और अगर सिलेजर कोई एलिमेंट होता है तो इसके रिस्पेक्टिव डायगनल रिस्पेक्ट से यहाँ पे जीरो आ जाता है। अब मुझे चाहिए जीरो यहाँ पे और यहाँ पे डायगनल के नीचे, तो यहाँ पे लिखूंगा 4R2 - R1, ठीक है। अब देखा जाए तो इसके ऑपोजिट से मैंने रो टू माइनस, यहाँ पे मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ रो टू एंड रो वन, ठीक है, रो टू माइनस रो वन। अब रो टू के ऑपोजिट में रो वन में क्या पड़ा है, 1, एंड रो वन के ऑपोजिट में रो टू में क्या पड़ा है, 4, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व कर लेना है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 1, 3, 5, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है तो सबसे पहले मैं रो टू को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 1 से, तो ये एस्टिक्स 4, 5 एंड 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर दरमियान में आ जाएगा माइनस, ठीक है, एंड रो वन को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 4 से, तो 4, 4 3 12 एंड 4 5 20, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर देखा है तो मुझे यहाँ पे भी जीरो चाहिए था तो इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जिससे आपको पहले देते थे कि रो 3 - रो 2, तो ये पहले रो 1, 1 - 1, 2 - 3 एंड 2 - 5, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आपने जो है वो मैंने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे ऐसे डिटेल के अंदर, तो आप उनको विजिट करके देख सकते हैं। तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 - -7 - 1 - 5 - 15 एंड - 3, ठीक है। तो अब देखा जाए तो पहले डायगनल के नीचे 0 आ गए, अब इसके नीचे मैंने 0 लाना है, ठीक है, यहाँ पे 0 लाना है। तो जब यहाँ पे 0 लाना है तो इसके जो ऑपोजिट, मतलब कि अगर बात की जाए तो ये आ रहा था 1, 0, 0, 3 - -7 - 1, 5 - 15 एंड - 3, ये आ गया, ठीक है। अब अगर बात कीजिए तो हमने जो भी डायगनल होता है उसके नीचे एंट्री पे 0 लाना होता था, ये डायगनल आ गया, इसके नीचे वाले एलिमेंट को मैंने 0 बनाना है क्योंकि मैं इसको एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात कीजिए तो मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो ये यहाँ पे मैं लिख रहा था कि रो 3 और रो 2, ठीक है। अब आप लोगों ने चीज समझनी है कि मतलब कि हम इसको कैसे करेंगे। अब मुझे रो 3 पे यहाँ पे 0 चाहिए, अब जहां पे 0 चाहिए इसके ऑपोजिट में जो एलिमेंट पड़ा वो कितना है, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और रो 2 के जो ऑपोजिट में एलिमेंट पड़ा वो क्या है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दरमियान में कर लूंगा माइनस 1, 3, 5। अब आप इसको इधर साइड भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको साइड पे आप ऐसे कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किया कि रो 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, यहाँ पे जाएगा 0 - -7 - 21, एंड रो 2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 से, तो 0 - 7 - 15, ठीक है। दरमियान में माइनस है तो साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे मेरे पास आंसर कितना बच जाएगा कि 21 में से मैं अगर निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा -6, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 0, 0 एंड -6, ठीक है। अब मैंने इसको चिलोन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मेरे पास कोई रो पूरी 0 नहीं आ रही, तो मैं इसको बोलूंगा इसका रैंक है 3, ठीक है। तो जब इस मैट्रिक्स से मैंने सॉल्व किया तो इसका रैंक कितना आ रहा है, 3, तो जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आप इसको बेशक राइट डाउन कर लें। उसके बाद अगर हम आ जाए चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आ गया, जिसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू 3i - j - k एंड बी इज इक्वल टू λ - 4 आर पैरेलल। अब ये दोनों के दोनों वैल्यू आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो जब हम पैरेलल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट में, हमने पढ़ा था कि a इज इक्वल टू बी ऑफ के, स्केलर की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, स्केलर स्केलर प्रोडक्ट ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास सबसे पहले मैं वेक्टर की वैल्यू लिख लेता हूँ, तो मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू आ रही है 3i, ठीक है, प्लस जे माइनस के, एंड बी वेक्टर की वैल्यू आ रही है λ - 4j + 4k, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूंगा पैरेलल क्या होता है, ठीक है, कि लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 2a, ठीक है, अभी दोनों पैरेलल है। ये जो अब मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ना कि a इज इक्वल टू
बी के, अब इसमें जो टू है वो क्या मेरे पास के है, ठीक है, यानी लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा वेक्टर है जो कि मेरे पास आ रहा है टू बी। अब ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल है, मीन ए इज इक्वल टू टू बी में लिख सकता हूँ। अब जो यहाँ पे के है वो मेरे पास क्या आ रहा है टू, तो इसी तरह मैं इस वेक्टर पे आ जाता हूँ, मैं दोनों वेक्टर को कर लूंगा सेम, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर होते हैं सेम लेकिन जो उनके बाहर कॉन्स्टेंट होता है वो सेम नहीं होता, ठीक है, तो मैं इनको सेम कर लेता हूँ। तो अगर बात कीजिए तो मेरे पास आ रहा था कि ए इज इक्वल टू बी के, अब ए इज इक्वल टू बी के कैसे होगा, यहाँ पे आ रहा थ्री आई प्लस जे माइनस फोर इज इक्वल टू लेमडा आई माइनस फोर जे प्लस फोर के। अब ये दोनों आपस में इक्वल तो नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है के और यहाँ पे आ रहा है फोर के, यहाँ पे जे है और यहाँ पे माइनस फोर जे है। तो अगर बात की जाए आई तो है ही डिफरेंट, क्योंकि हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, जे और के की वैल्यू सेम आनी चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करो तो मैं इसमें से अगर फोर को कॉमन लूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ माइनस फोर को कॉमन, जब मैं माइनस फोर कॉमन लूंगा तो लेमडा के साथ फोर नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई भी कर लूंगा और डिवाइड भी कर लूंगा, जो मैंने मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। यानी आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ, अगर मैं बात करूँ दोनों से कंपैरिजन करूँ, यहाँ पे जब कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे जे आ रहा है, यहाँ पे माइनस फोर जे, यहाँ पे के आ रहा है, यहाँ पे प्लस फोर के, मीन अगर इसमें से फोर कॉमन ले लूँ माइनस फोर कॉमन तो दोनों चीज़ आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल। तो मैं क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली लेमडा के साथ फोर नहीं है तो मैं लेमडा के साथ माइनस फोर मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, ठीक है, आई माइनस फोर जे प्लस फोर के। तो अब पूरे में से अगर मैं माइनस फोर को कॉमन ले लूँ तो जब मैं माइनस फोर को कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा लेमडा माइनस लेमडा डिवाइड बाई फोर आई प्लस जे माइनस के, ये आ जाएगा, और इस साइड आ रहा था थ्री आई प्लस जे माइनस के। अगर हम कंपैरिजन किया तो जे जे के को ला रहा है और के को ला रहा है और ये चीज रिप्रेजेंट करी है के को, ठीक है, यहां तक आप समझ गए हो। तो सबसे पहले मैं आई को आई से कंपैरिजन कर लेता हूं, कि जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो अगर आप दोनों साइड में कंपैरिजन देखा जाए तो जे इज इक्वल टू जे एंड के इज इक्वल टू के, बट आई की यहां पर वैल्यू कितनी है थ्री आई और वहां पर कितनी वैल्यू है माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय फोर आई, ठीक है, मुझे h की वैल्यू चाहिए थी, सॉरी लेमडा की वैल्यू चाहिए थी, ये दोनों दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 4 3 इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके सॉरी डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पे अगर इसको मैं फर्दर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस h डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और इस माइनस को मैं दूसरा ट्रांसफर कर दूंगा तो माइनस 12, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली जो क्वेश्चन था ये सेकेंड ईयर की बुक चैप्टर नंबर 7 वेक्टर में से लिया गया, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेसिकली ये आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक में से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, जिसके अंदर लिखा हुआ कि व्हेन व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर एंड बी। अब इन दो वेक्टर के दरमियान मैंने एंगल फाइंड करना है, एक क्रॉस प्रोडक्ट में है और एक है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है, एंगल मीन थीटा। तो मेरे पास बात की है तो मेरे पास लिखा हुआ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले की बात करूं तो होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सॉरी ए बी साइन थीटा, और अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो होता है ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों आ गए, जिसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं फर्दर आगे सॉल्व करूं तो मुझे पता है कि ए क्रॉस बी कितनी वैल्यू आ रही थी 5 डिवाइडेड बाय ए डॉट बी कितनी वैल्यू थी 5 अंडर रूट 2 is equal to a b sin theta and a b cos theta, यह आ गया। तो अगर हम बात करें a b आपस में कट जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 और 5 कट जाएंगे, तो
वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू, ठीक है, जो कि हो जाएगा टेन थीटा के इक्वल। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू। तो इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं और इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये होता है 35 के इक्वल, ठीक है, जो कि ऊपर मेंशन ऑप्शन में से नहीं है। तो अब हम बात करेंगे एमसीक्यू बेसिकली जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन गिवन है, क्योंकि अगर वन डिवाइड बाई टू होता तो इनमें से आता, अगर वन होता तो 45 आता, ठीक है, तो बेसिकली एमसीक्यूज रॉन्ग है, ठीक है। इसको आप लोगों ने खुद भी ट्राई करके, अगर मेरा क्वेश्चन गलत है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी राय देनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो मेरे पास लिखा हुआ कि इफ एन इज इक्वल टू 5n+1 एंड द सम ऑफ एन टर्म, मेरे पास एन की वैल्यू गिवन है और मैंने सम ऑफ एन टर्म फाइंड करनी है। तो अगर हम सम ऑफ एन टर्म के फॉर्मूले की बात करें तो मेरे पास होता है एस एन इज इक्वल टू 2a1+n-1b, ठीक है। अब ये मेरे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ सीरीज का, तो और मेरे पास जो सीरीज गिवन है वो मेरे पास कुछ इस तरह गिवन है कि an इज इक्वल टू 5n+1, तो मुझे यहाँ पे a1 चाहिए। तो अगर मैं ए वन की बात करूँ तो जहां जहां पे एन है वहां पे वन पुट कर लूंगा, तो मेरे पास ए वन कितना आ रहा है 6, ठीक है। और अगर मैं इसी को रीअरेंज कर लिखूं एस एन इज इक्वल टू ए वन अलग कर लूं प्लस ए वन दो बार लिख लूं प्लस n-1d, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं राइट साइड पे लिखूं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि an इज इक्वल टू a1+n-1d, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, जब इसमें करेंगे तो मेरे पास आ रहा था बेसिकली कि a1, और अगर मैं बात करूं a1+n-1d किसी को आ रहा था an, तो इस पूरे की जगह मैं पुट कर लूंगा a ऑफ n, तो यहां पे आ जाएगा प्लस a ऑफ n, और यहां पे बेसिकली मैंने फॉर्मूला मिस किया कि n/2 n/2, और यहां पे भी n/2 यूज होता है। तो n/2 a1 की वैल्यू कितनी आ रही थी 6 और an की 5n+1, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा n/2 5n+7, ठीक है। तो ये मेरे पास का राइट आंसर आ गया। तो अगर हम बात करें जो इसका राइट आंसर बनवा हुआ मेरे पास ऑप्शन नंबर डी बन है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद इसको आप लोग राइट डाउन कर लें, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हार्मोनिक मीन से लिया गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें लिखा हो कि इफ हार्मोनिक मून ऑफ 30 and y, ठीक है। अब मेरे पास दो नंबर है, एक 30 है एंड y, ठीक है, जिसका हार्मोनिक मून मेरे पास आ रहा है 24, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे लिखूंगा कि हार्मोनिक मीन ऑफ 30 and y इज इक्वल टू 24, ये आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हमने वाई को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला था कि एच ऑफ एम इज इक्वल टू 2ab a+b, ये फॉर्मूला में हार्मोनिक मीन में यूज करते हैं। तो मुझे पता है कि हार्मोनिक मीन की वैल्यू कितनी है 24। अब मेरे पास हार्मोनिक मीन दो नंबर के दरमियान होता है, एक a और एक b, तो 30 को मैं a काउंट कर लूंगा और y को मैं b काउंट कर लूंगा, ठीक है। 2 a कितना है 30 और b मेरे पास कितना था y डिवाइडेड बाय 30+y, ये आ जाएगा। फिर अगर हम फर्दर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा के डिवाइड कर लेते हैं इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई 30+y इज इक्वल टू 65। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे कि यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे 24 30+y इज इक्वल टू 60y, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 24 3 72, ठीक है, प्लस 24y इज इक्वल टू 60y, फिर 60y-24y इज इक्वल टू 720। तो अगर हम बात करें 64 में से 24 को निकालें तो कितना बचता है मेरे पास 36, तो आ जाएगा 36y इज इक्वल टू 720, ठीक है। फिर इसे फर्दर कर लेते हैं तो देखा जाए तो 36 यहाँ में मल्टीप्लाई होता जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है,
अगर हम बात करें तो कटिंग कर लेते हैं, अब इन दोनों में कौन सा टेबल ज़्यादा है, तो सिक्स का टेबल बोलेंगे, सिक्स सिक्स 36, सिक्स वन दा सिक्स, सिक्स टू दा 12, ये आ जाएगा, फिर सिक्स टू दा तो 20 आ जाएगा, तो वाई का जब मैंने इसको सॉल्व किया तो वाई इज इक्वल टू 20 आ रहा है। अब इसके राइट ऑप्शन में मेरे पास क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 20। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसको आप बेशक राइट डाउन कर लें। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आए, जिसके लिखा हुआ कि द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ सीरीज इज डैश, तो हमने पहले तीन टर्म की सीरीज फाइंड करनी है, 6 से लेकर 100 तक जा रही है, मैंने पहले तीन की फाइंड करनी है, तो पहले तीन की फाइंड करनी है, तो 6 पहली हो जाएगी 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 2 का स्क्वायर सेकेंड वन, एंड 8 माइनस 2 का स्क्वायर इज थर्ड वन, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 16, 25 एंड 36 व्हिच रिजल्टेंट इज 77, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज को, उस तो एमसीक्यू नंबर हम बात करें 10 की, जिसके अंदर लिखा हुआ कि हाउ मेनी वे फाइव फ्रेंड कैन सिट अराउंड टेबल, तो बेसिकली किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम कर रहे थे कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल, एंड मेरे पास फाइव फ्रेंड है तो 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम इफ विनिंग प्रोबेबिलिटी 0.3, अब विनिंग प्रोबेबिलिटी जिसको मैं क्यू से कहता हूं, जो कि मेरे पास 0.3 और मैंने फाइंड करनी है लूजिंग प्रोबेबिलिटी, लूजिंग प्रॉबेबिलिटी, ठीक है, जो कि मैं पी कह दूंगा, तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 0.3 करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा 0.7, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसके अंदर लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैलिडिटी ऑफ 3 माइनस 5x माइनस 1/2, ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू माइनस 1/2, जब इसका स्क्वायर ले लूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ग्रेटर देन 0, जब ये आ गई तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा कि माइनस 5x लेस देन माइनस 3, ठीक है। अब जब मैं साइन को चेंज करूंगा, पोलैरिटी चेंज जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन 3, अब ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है, जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो मेरे पास ऑप्शन नंबर डी बनता है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह उसको वापस समझा दिया जाएगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास चैप्टर नंबर 8 में से लिया गया है, जिसके अंदर लिखा हुआ कि इफ 5x, यानी मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इफ 5x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय x प्लस 1 व्हाट विल द डोमेन, डोमेन फाइंड करनी है f इनवर्स ऑफ x की, ठीक है। अब इसकी डोमेन को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जब हमने f इनवर्स की डोमेन फाइंड करनी होती है तो जो भी मेरे पास फंक्शन होता है वो बेसिकली होता है y के इक्वल, तो लिख लूंगा कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है। अब जब हमने इनवर्स की डोमेन फाइंड करनी है तो यहाँ पे y को मुझे डिपेंडेंट बनाना है और x को इंडिपेंडेंट, जब मैं y को डिपेंडेंट बनाऊंगा तो ये x y से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये चीज पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू 5, तो मैंने x को इंडिपेंडेंट बनाना था, तो x y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 y, फिर x यहाँ पे y मल्टीप्लाई होते जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा y, ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं रिप्लेस कर दूंगा, अगर हम बात करें, ठीक है, यहां तक करने के बाद मैं इसको सॉल्व कर लेता, तो मेरे पास आ रहा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब इस चीज को मैंने फर्दर सॉल्व नहीं किया, ठीक है, तो जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर मैं x की बात करूं तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y, ठीक है, तो मेरे पास x की बात कीजिए तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, f इनवर्स ऑफ y, लेकिन मुझे चाहिए f इनवर्स ऑफ x, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास आ रहा था कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 y डिवाइडेड बाय y, तो मुझे x के लिए चाहिए तो मैं कह दूंगा सिंपल रिप्लेस y बाय x, जब y को x से रिप्लेस करूंगा
ठीक है ये आ जाएगा। तो मैंने बात की थी कि जब भी डिवाइड के अंदर कोई भी आ वैल्यू आ जाए उसको इक्वल टू पुट करके हम उसकी डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नीचे डिवाइड में एक्स है, जब जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड होगा। तो उसकी डिमांड है सेट ऑफ आर एन नंबर एक्सेप्ट जीरो, जिसका राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, फिर इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है लीनियर प्रोग्रामिंग में से, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन वो होता है कि जो शेडेड एरिया के अंदर आ रहा होता है, तो उसके अंदर कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एक है ओ आर है, ए आर है, सी पॉइंट आर है और ई पॉइंट आ रहा है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट ये वाले हैं, ठीक है, जो फिजिबल रीजन के अंदर आ रहे हैं। ओ ए सी, ओ ए सी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 देन कोसेकेंट अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा माइनस साइन बीटा साइन गेमा। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरे पास आ रहा है कोसेकेंट अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा माइनस साइन बीटा साइन गेमा, ये आ गया। तो अगर हम बात करें तो जो इस ब्रैकेट के हिसाब से पहले हम बोर्ड मैथ्स के मुताबिक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि बेसिकली फॉर्मूला था कि कॉस ए माइनस सॉरी प्लस बी का क्या फॉर्मूला था कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कोसेकेंट एज इट इज आ जाएगा, और ये चीज मेरे पास आ रही है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, विच मीन यहां पे मेरे पास एंगल क्या है बीटा एंड गेमा। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास एक इक्वेशन गिवन थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो मेरे पास यहाँ पे बीटा और गेमा है, तो मैं यहाँ पे बीटा और गेमा की वैल्यू निकालूंगा जो कि हो जाएगा बीटा एंड गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। तो इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे जो कि इक्वेशन नंबर वन है। जब इसको इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन वन, तो मेरे पास आ जाएगा कोसेकेंट अल्फा कॉस 180 माइनस अल्फा, ये आ गया। फिर इसके ऊपर मैं यूज करूंगा अलाइड एंगल को। अब अलाइड एंगल क्या बोलता है कि कॉस 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, जब हम अलाइड एंगल में पढ़ते हैं तो 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होते हैं नेगेटिव, तो उसके बाद मैंने नेगेटिव साइन डाल दिए। तो मेरे पास अब यहां पे आ जाएगा कोसेकेंट अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये आ गया। कोसेकेंट क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा और ऊपर आ रहा है माइनस कॉस अल्फा, तो यह जगह माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। तो बेसिकली ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मैंने सॉल्व किया एमसीक्यू उसका। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करें तो लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टू कॉस 75 एंड कॉस 17। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ रहा है टू कॉस 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री, चैप्टर नंबर 10 में से है। ठीक है, तो बेसिकली ये भी मेरा फॉर्मूला था। अब इसमें कौन फॉर्मूला लगता है कि टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास कॉस ए की वैल्यू 75 प्लस 15 एंड प्लस कॉस 75 माइनस 15 कर लेंगे, तो कॉस 75 प्लस 15 हो जाएगा कॉस 90 एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो कॉस ऑफ 90 होता है 10 सॉरी 0 एंड कॉस ऑफ 60 की बात करें तो कॉस 0 1
cos 30 अंडर रूट 3 बाय 2 एंड cos 60 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको मैं रेज कर लेता हूं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करें तो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो मैं यहां पे सिंपल इनके फॉर्मूले को यूज करूंगा जो कि ट्राइंगल के लिए फॉर्मूले थे। तो अगर आपने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो के अंदर सब फॉर्मूले को डिस्कस करूंगा जो कि आपको इजीली समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैं टोटली 5 फॉर्मूले यूज करूंगा जिनकी रिस्पेक्ट से सारे फॉर्मूले को मैं डराइव कर लूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट करने तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अगर बात की जाए तो साइन अल्फा बाय 2 है जिसके अंदर आ जाएगा अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। ये मैंने साइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला लिख दिया। इस तरह मैं अगर कॉस अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला लिखूं जो कि होता है कि एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। अब दोनों के अंडर रूट है और दोनों मल्टीप्लाई, तो इनको सिंगल अंडर रूट के अंदर मैं लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड लास्ट में एस माइनस सी डिवाइड बाई बी स्क्र एंड सी स्क्र। बी स्क्र सी स्क्र अंडर से काट देंगे और आ जाएगा बी सी और ऊपर आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आ गया। तो हैज वी नो के हमारे पास जो ऊपर वैल्यू लिखी है ट्राइंगल ही होती है, तो ट्राइंगल डिवाइडेड बाई बी सी आंसर आ जाएगा। तो इसके जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो इसको आप बेशक राइट डाउन कर लें, तो चैप्टर नंबर 11 में से क्वेश्चन था। फिर हम मूव करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी चैप्टर नंबर 11 में से है, जिसके अंदर लिखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू अंडर थ्री बी इज इक्वल टू थ्री बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ ए। तो मेरे पास लॉ साइन का फॉर्मूला यूज करूंगा जो कि था ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा एंड बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर फोकस किया जाए तो मेरे पास ए की बी की और बीटा के वैल्यू गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू मैं इजीली कैलकुलेट करूंगा। तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए एंड साइन बीटा डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। मैंने फाइंड करना था अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन बीटा मेरे पास कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई बी कितना मेरे पास बी एस लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास अंडर रूट 3 साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो मेरे पास अगर मैं बात करूँ तो साइन 60 डिग्री को मैं कैलकुलेटर पे पुट करके देख लेता हूँ, आई थिंक सो अंडर रूट 3 बाय 2 होता है। फिर भी चेक कर लेता हूँ या अंडर रूट 3 बाय 2 होता है या 1 बाय 2 होता है। ठीक है, तो उसको मैं कैलकुलेटर पे पुट कर लेता हूँ। जब मैंने कैलकुलेटर के अंदर साइन 60 पुट किया तो मेरे पास आ रहा था अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और अगर हम बात करें बी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 3, ये आ गया। ठीक है, फिर अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो मेरे पास आ रहा है साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 काट देगा अंडर रूट से तो 3 डिवाइडेड बाय 2 3 का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा था साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2। तो साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व किया तो मेरे पास का रिजल्ट क्या आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे पास लिखा है कि पीरियड ऑफ अ टेन थीटा इज सेम एज। तो पीरियड को निकालने का तरीका क्या था, मेरे पास टेन 3 थीटा है। अगर हम पीरियड के फॉर्मूले की बात करें तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ कि टेन ए थीटा, जब ए थीटा की रिस्पेक्ट पीरियड क्या होता है टेन और कॉट के लिए पाई डिवाइडेड बाय ए और साइन कॉस को सिकेंड के लिए क्या होता, कि अगर मैं बात करूं साइन कॉस सीकेंड एंड को सीकेंड के लिए यूज करें 2 पाई बाय ए और टेन और कॉट के लिए जो मैं नीचे फॉर्मूला लिखा है वो यूज होता है। ठीक है, ये आ गया। तो अगर मैं क्वेश्चन के अंदर से मैं इसका निकालूं तो मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि टेन 3 थीटा, जब इसका पीरियड निकालूंगा तो पाई बाय ए की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका पीरियड आएगा पाई बाय 3। आप उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि इसका पीरियड किसकी तरह सेम है, तो सबका मैं टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ। तो इसका निकालूंगा सेकंड का, तो सेकंड में 2 पाई बाय ए वाला होने देगा तो जो ए पार्ट है उसका निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई बाय ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, ये आ जाएगा। जब बी का निकालूंगा कॉट है, कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है पाई बाय,
तो पाई बाई सिक्स, जब सी पार्ट का निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, टू पाई बाई ए विच इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, और लास्ट में डी पार्ट है जिसके अंदर मेरे पास आ रहा है टेन नाइनटी, तो आ जाएगा पाई बाय नाइन। तो अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को वापस पढ़ें तो लिखा हुआ था कि पीरियड ऑफ टेन थ्री थीटा इज सेम एज दैट, तो हमारे पास टेन थ्री थीटा का टाइम पीरियड किसके सिमिलर आ रहा है, तो हमने सेकेंड थीटा का निकाला तो वो टू पाई बाई थ्री आ रहा था, कॉट सिक्स थीटा का निकाला तो पाई बाई सिक्स आ रहा था, एंड साइन सिक्स थीटा का निकाला तो पाई बाई थ्री आ रहा था, तो टेन थ्री थीटा का भी पाई बाई थ्री है और साइन सिक्स थीटा का भी पाई बाई थ्री है, तो इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि दोनों का पीरियड मेरे पास क्या आ रहा है सेम, जो कि क्या आ रहा है पाई बाय थ्री एंड पाई बाय थ्री। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 19 था। उसके बाद हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका व्हाट इज अ रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब रेंज निकाल दिया, व्हाट इज मीन बाय रेंज, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर इसकी रेंज की बात करूं तो मेरे पास इस क्वेश्चन को कंपेरिजन किया जाए तो मेरे पास ये जो वैल्यू लिखी होती है मेरे पास होती है ए की और ये होती है बी की। तो हम रेंज में मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को लिखते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेंज को फाइंड करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ जिसका फॉर्मूला था कि ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं बात करूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ रही थी माइनस फोर, एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू टू, तो जब पुट करूंगा तो माइनस फोर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, उसके बाद मैं स्मॉल एम निकाल लेता हूँ, जब स्मॉल एम निकालूंगा तो वो कितना होता है ए माइनस बी। ठीक है, अब ए की वैल्यू फिर कितनी है माइनस फोर माइनस टू विच इज इक्वल टू माइनस सिक्स, तो इसका आंसर आ रहा है माइनस टू से लेकर माइनस सिक्स तक, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने फेडरल बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर दिया गया था, जिसका सलूशन फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड नहीं किया था, उसका कंप्लीट हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव के अंदर एमसीक्यूज के अंदर मिस्टेक भी थी, तो उसको आप लोगों ने बताना है कि मिस्टेक वाकई है कि ये मेरे से मिस्टेक हुई। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम किसी और पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास कोई पेपर है जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप लोग हमें जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका हम सोल्यूशन लेके आएंगे, जो तमाम बच्चों तक हम पहुँचा देंगे तो वो उनसे इस्तिफादा हो सकेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।